दूसरी जानिब गुजरांवाला की एटीसी ने घेराव जलाओ घेराव के मुकदमे में पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले 51 मुलजिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। अदालती हुक्म पर मुलजिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार भी आवेजा किए गए। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुलजिमान के हवाले से खबर के अदालती हुक्म पर मुलजिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा किए गए और ये कहा गया है कि इसके अलावा मुराद सईद, हमाद अजहर, फारूक हबीब के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। 51 मुलजिमान की फहरिस्त ये सामने आ चुकी है और जो नाम है उस मुलजिमान में उमर अयूब, अली अमीन कंडापुर, जरताज पुल के नाम भी इसमें शामिल हैं। और मज़ीद तफसीलात ये कि ज़ुबैर नियाज़ी, जनरल रिटायर्ड अकरम साही, शौकत भट्टी का नाम भी इन 51 अफराद में शामिल है। अहमद चट्ठा, बिलाल जहा, जफरुल्ला चीमा, मियाँ तारिक और दीगर नाम इसमें सामने आ चुके हैं। हमाद अजहर का नाम भी इसमें शामिल है, फारूक हबीब का नाम शामिल है। गुजरांवाला में घेराव जलाओ के मुकदमे में 51 मुलजिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म भी सामने आया है। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है मियाँ अतीक ने। मियाँ अतीक, क्या खबर है आपके पास? ये गुजरांवाला में 9 मई के जो वाकया थे घेराव जलाओ के, इसमें जो मुलव्वस 51 मुलजमान थे जिसमें पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं समेत जो लोकल यहाँ के रहनुमा हैं वो भी शामिल हैं, उनकी आज इंसाफ दहशतगर्दी अदालत ने उनकी जायदादें जो हैं वो जब्त करने का हुक्म जारी किया है। याद रहे कि इससे पहले जब ये घेराव जलाओ का अमल हुआ उसके बाद काफ़ी जो मुकामी रहनुमा थे उनको गिरफ्तार भी किया गया, जिन्होंने जमानत भी करवा रखी थी, और आज जो इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने बकायदा जो ये मुलजमान थे जिनमें मरकजी जो रहनुमा हैं उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और इसके अलावा जो हबीब फरख हबीब और इस तरह मुकामी जो हैं अहमद चट्ठा, राणा बिलाल जाज और दीगर मुलजमान इसमें शामिल हैं, उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म ठीक है। जायदाद जब्त करने का हुक्म भी सामने आया है।